व ग्राम पंचायत अधिकारी से परेशान खंड प्रेरक ने फांसी लगाकर दी जान। वीडियो एडियो व ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने छोड़ा सुसाइड नोट। तीनों अधिकारियों के नाम लिखा सुसाइड नोट मिलने से प्रशासनिक अधिकारियों में मचा हड़कंप। प्रदीप कुमार सागर भारत स्वच्छता मिशन में ब्लॉक कमालगंज में कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात थे। प्रदीप कुमार सागर ने गंगानगर स्थित अपने घर पर सुसाइड कर अधिकारियों के नाम लिखा सुसाइड नोट। मृतक पर एडीओ पंचायत सुभाष ने शौचालय की सूची में फर्जी हस्ताक्षर कर सूची जमा करने का दर्ज कराया था मुकदमा। ग्राम पंचायत हैदरपुर की 22 शौचालयों की सूची जमा हुई जिसमें वीडियो एडियो व ग्राम पंचायत अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर सूची जमा की गई थी। मृतक पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर सूची जमा करने का दर्ज कराया गया था मुकदमा। प्रदीप कुमार सागर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद वह मानसिक रूप से था परेशान। सुसाइड नोट में उसने अपने आप को निर्दोष बताकर दी जान। सुसाइड नोट में बीडीओ अशोक कुमार एडीओ सुभाष ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। सुसाइड नोट में मृतक प्रदीप कुमार सागर ने लिखा बच्चों तुम्हारे पापा निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है। सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण कर परिजनों से घटना के संबंध में ली जानकारी। सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने बताया सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के बाद जांच पड़ताल कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम आपके हस्बैंड की कैसे डेथ हो गई थी, क्या मामला था और क्या हुआ आज झूठा इनके ऊपर FIR कराई थी रात के 11:30 बजे। इनको पता भी नहीं था मेरे खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा है। जब ये सुबह को गए तब पता चला FIR हो गई है। उसके बाद में जब हमने उनसे जानकारी ली तब उन्होंने ये कहा कि नहीं ये गलत हो गया है, इसका नाम नहीं था, इसको ये गलत फंस गया है। लेकिन भैया ये कानूनी काम में थोड़ा टाइम लगता है, आप उसमें तसल्ली रखिए। तसल्ली रखे थे उस दिन। सुसाइड करने के बाद आप लोग थाने आया, क्या कार्रवाई थाने में, क्या कार्रवाई? मैं स्कूल में थी, मैं जॉब करती हूँ, मैं स्कूल में थी, मेरे पास घर से फोन गया कि सुसाइड कर दिया। थाने में क्या आश्वासन दिया गया, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? मुझे कोई आश्वासन नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या कह रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं लिख जाएगी, 4 घंटे से बैठे हैं। जब किसी काम की FIR रात के 11:30 बजे लिखी गई है, यहाँ 4 घंटे से बैठे हैं, कितना टाइम लगता है लिखने में? मेरा बच्चा है, हमेशा बड़ा जो व्यक्ति है वो छोटे का शोषण करेगा। 12 बजे रात में लिखी गई, 11:30 बजे का टाइम पड़ा, 11:35 का। क्या लग रहा है योगी सरकार में पुलिस की क्या रोल? बिल्कुल कार्रवाई होगी, नहीं हो रही कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर योगी सरकार अपने उस पर अडिग रहेगी तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी कि आप लोगों ने झूठा कैसे फंसाया। आपने कोई जांच की? आपने कोई उनको कारण बताओ नोटिस दिया? आप पहले FIR लिखा रहे हैं उसके बाद में आप कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद में आप जांच करवा रहे हैं? यहाँ मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है? यहाँ मुकदमा नहीं दर्ज किया, यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब आपके DM योगी सरकार से आपका DM के पास जा रही है, वहाँ भी नहीं अगर कोई सुनेगा कदम उठाएंगे आप? अगला कदम हम कमालगंज ब्लॉक में एक संविदा कर्मी है प्रवीण कुमार सागर, जो कि रहने वाले थाना कालरी गेट के हैं। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि उनके द्वारा फांसी लगाकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उससे पहले ही परिजनों के द्वारा जो मृतक के जो फांसी पर लटके थे उनको उतार कर दुनिया स्तर पहुँचाया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने उनको घोषित कर दिया है, सुसाइड नोट मिला है जिसमें ये जानकारी हुई थी उनके एक FIR पंजीकृत हुई थी थाना कमालगंज में, जिससे उसको लेकर काफ़ी डिप्रेशन में थे और घर वालों का आरोप है कि उनको डिपार्टमेंट के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा था। इस मामले में उनके परिवार के द्वारा एक शहरी भी दी गई जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और पंचायतनामा और जो PM की कार्रवाई है वो की जा रही है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है।